press the bell icon on the YouTube app and never. मैं ये नहीं कहता यार, वो जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो 5 साल की बच्ची को करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की 2-3 दिन पहले, ये भी हुआ है यहाँ पर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे ऐसे कि लर्ज बंदे मेरे जिस्म का एक बाल खड़ा हो जाता है कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह है। पाकिस्तान में या किसी लोग इस तरह खवातीन को देखते हैं जिस तरह के ये इनका बस। मैं अभी रिसेंट आपकी 2-4 चीजें बल्कि दुख के साथ, इस्लामाबाद 14 अगस्त पे जुलूस के अंदर एक खातून की वीडियो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है जिसको लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लाइनें लगा लगा के कुछ सेकंड के लिए उसको टच कर रहे हैं। तो 2 झंडे मेरी नजर, 2 चीजें लोकेशन मैंने देखी, पीछे से फैसल मस्जिद नजर आ रही है और पाकिस्तान के झंडे लोगों के हाथ में। कहने को आप इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, कहने को आप कहते हैं पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर्स, और आप उसको एक खातून को टच करने के लिए अब स्टैम्पीड हो रही है। हवानियत की एक एक्सट्रीम। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे 2 ऐसे पाकिस्तानियों को जिनको भारत में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जो मैं बात करना चाहूंगा, कलकत्ता के अंदर जो लेडी डॉक्टर है जिसको 31 ईयर्स ओल्ड जो लेडी डॉक्टर थी जिसका रेप हुआ है और उसके ऊपर अभी भी सोए मोटो एक्शन लिया जा चुका है। जो बैनर्जी है उन्होंने कहा है कि उसका उसको फांसी देनी चाहिए पब्लिक में, जुलूस वहां अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन मैं जब उसके कुछ मेरे वाकयात मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो बहुत बहुत अफसोस हुआ। उस खातून के जिस्म के ऊपर 113 जो थे निशानात थे उसको टार्चर करने के लिए, काटने के निशानात थे। पेल्विस उनका ब्रोकन था और फिर 18 से 20 लोगों ने ये सारा कुछ किया। और एक तो ये मैं हैरान हूं कि लोग किस तरह हैवान बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने उसको कवर अप करने की कोशिश की। इससे बड़ी सितम जरीफी क्या होगी कि पहले तो एक खातून मारी गई है, फिर उसके माँ बाप को कहा गया कि इसने सुइसाइड कर ली। इस सारी चीज का बयान करने का मकसद ये था आरजू बताने का कि हम अभी तक वही के वही खड़े हैं, हम यहां से आगे नहीं जा पा रहे। मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूं। मैं 1996 में मेरी पहली बच्ची पैदा हुई तो मुझे कहा गया कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज तो बच्चियों को रखने वाले कंट्रीज ही नहीं है। और जिसने मुझे कहा था, मेरे जो फैमिली मेंबर थे वो खुद एक वकील थे, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था क्या ख्याल है आपके कि मेरी बच्ची पाकिस्तान में आके किसी थाने में जाके किसी कोर्ट कचहरी में अकेली जाके केस लड़ सकती है? अमेरिका में तो ये सब हो सकता है, पुलिस डायल करे तो 10 मिनट में विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम पुलिस आती है, वो पूछती नहीं कि तुम कौन हो किधर से। तो आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्या वजह है, हम इससे आगे क्यों नहीं जा रहे। इसी आपके 14 अगस्त वाले दिन मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि नमरा खान है डिफेंस कराची, बहुत पॉश एरिया है, उसमें 3 मोटरसाइकिलों पर लड़कों ने उसको दिन दिहाड़े अगवा करने की कोशिश की और लोग खड़े देख रहे थे, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। गार्ड खड़े थे घरों के सामने जिनके पास गन्स मौजूद थी लेकिन उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर दिया, क्या वजह। मैं ये नहीं कहता वो जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो 5 साल की बच्ची को करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की 2-3 दिन पहले, ये भी हुआ है यहाँ पर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे ऐसे कि लर्ज बंदे मेरे जिस्म का एक बाल खड़ा हो जाता है कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह। पाकिस्तान में या किसी लोग इस तरह खवातीन को देखते हैं जिस तरह के ये इनका बस। मैं अभी रिसेंट आपकी 2-4 चीजें बल्कि दुख के साथ, इस्लामाबाद 14 अगस्त पे जुलूस के अंदर एक खातून की वीडियो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है जिसको लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लाइनें लगा लगा के कुछ सेकंड के लिए उसको टच कर रहे हैं। तो 2 झंडे मेरी नजर, 2 चीजें लोकेशन मैंने देखी, पीछे से फैसल मस्जिद नजर आ रही है और पाकिस्तान के झंडे लोगों के हाथ में। कहने को आप इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, कहने को आप कहते हैं पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर्स, और आप उसको एक खातून को टच करने के लिए अब स्टैम्पीड हो रही है। हवानियत की एक एक्सट्रीम,
अफगानियत के। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो अफगान रेफ्यूजीज आए हैं उनकी वजह से भी ये माहौल बहुत खराब हुआ है, जो वीडियो हमने देखी है हमें ज्यादातर ये अफगान रेफ्यूजीज दिखाई दे रहे हैं या पठान जो है उस तरह के अफगानिस्तान साइड के वो बहुत दिखाई दे रहे हैं। नहीं आरजू को ये सिर्फ वहां का मसला नहीं, जो भारत में जो खातून 31 ईयर्स मेडिकल स्कूल के अंदर रही थी वो तो एक पढ़ी लिखी खातून थी और पढ़े लिखे लोग थे आसपास उनके, हवानियत की एक्सटीम थी। और इसी तरह सब कॉन्टिनेंट में हर जगह पे हो रहा है। आज मैं बल्कि आज कीनिया की एक खबर है, एक बंदा है उसने जेल से निकला है, उसने बड़े शॉर्ट पीरियड में 2022 में उसने सबसे पहले अपनी वाइफ को मर्डर किया, 42 खवातीन को उसने, लेकिन उसको तो साइको किलर कहा जाता है, वो तो चलो एक फर्द वाहिद है, यहाँ पे 18-20 लोग हैं, इस्लामाबाद में जुलूस के अंदर हजारों लोग मौजूद हैं और सारे के सारे हैवान हो गए। और इसमें मैं ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इस्लामिक मुसलमान ही बुरे, अब देखे करने वाले ये जो कलकत्ता में जिन्होंने वो तो हिंदू होंगे, ये किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि रिलीजन बुरा है, हम खुद लोग बुरे हैं, हमारी सोचें बुरी हैं, कहने का मकसद तो ये है। लेकिन देखें मैं इस पे बहुत लर्जा आ गया मुझे कि ये क्या हम कहां जा रहे हैं, बहसीते इंसान हम कैसे इंसान हैं, हम बहसीते हिंदू कैसे अच्छे हिंदू हैं, हम बहसीते मुसलमान कैसे कैसे अपने आप को अच्छा मुसलमान कह सकते हैं, एज ए सिख किस तरह कह सकते हैं अपने आप को, जब हमारे हमारे अमाल ऐसे हैं, हम कर ये रहे हैं कि कोई खातून जो है सड़क पे जाती हमसे महफूज नहीं है, हम तो जानवरों से भी अबतर हो चुके हैं मेरे ख्याल में। ये तो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना होगा कि हम कहां जा। मैंने शायद कहा था कि मैं 1947 के दुखों पे बड़ा परेशान हूँ इस चीज में कि जो कुछ हुआ है उसमें क्यों हुआ ऐसे, और मैं यही बार बार ये कहता हूँ कि बांग्लादेश पे भी दुख यही था, मैंने बल्कि ट्वीट की थी कि खुदारा 1947 को रिपीट ना करो, फेथ बेस किसी के साथ ऐसे मत करो, हिंदू तुम्हारा हिस्सा है यार, रिलीजन उनका पर्सनल मैटर, डोंट इस तरह तो ना करो, इंसानियत इस तरह बिल्कुल तकाजा नहीं करती और किसी भी रिलीजन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचा के। लेकिन इस पे काफी मैं देखा है, काफी अफसोस है पाकिस्तान के अंदर, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कई और मसाइल हैं इस वक्त, IMF की कुछ खबरें जो हैं वो भी सुना बैक फुट पे जा रहे हैं, कुछ मुआशी प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, उन्होंने लिस्ट में नाम ही नहीं रखा है, ये कहा जा रहा है कि जो 7 बिलियन मिलने थे वो फिलहाल इनको नहीं मिलेंगे, वो भी उसका भी इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरा जो इस वक्त जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जिनको अरेस्ट किया गया है, वो सुना है कि बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, इस वक्त खान साहब को सबसे ज्यादा जो उनको डर खौफ है कि उनके ट्रायल जो है वो मिलिट्री ट्रायल होगा, अल्टीमेटली मिलिट्री या मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले होंगे तो मिलिट्री ट्रायल तो होगा, और फिर जब उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, अब बार बार आज की जो खबर आपकी चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम खान साहब ने रिक्वेस्ट की है कि मेरा ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए, उनके रिक्वेस्ट के बारे में जवाब दे रहे हो, तसल्ली रखें आपका ओपन ही होगा, अब उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, उनके पास कॉल्स मौजूद हैं, उनके पास जियो फेंसिंग मौजूद है, वो लोग सारी कौम के सामने रखेंगे कि, बल्कि इस स्टेटमेंट भी उन्होंने कहा, उन्होंने कहा हमने कौम के सामने रखेंगे कि आपके चेयरमैन साहब जो है वो किस तरीके से क्या क्या करते रहे, क्या क्या करवाते रहे। तो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द वेरी डीप क्राइसिस पॉलिटिकल, लेकिन जिस तरीके से स्लोली ग्रेजुअली मेरे ख्याल अच्छी डायरेक्शन पे ही मूव कर रहे हैं वो, जनरल फैज हमीद का अरेस्ट होना और उसको करार वाकई सजा देना, ये अभी डिफाइन करेगा कि आपकी अगली डायरेक्शन क्या होगी, आप किस साइड पे जाएंगे। करप्शन पे अभी तक क्रैकडाउन नहीं हुआ, सुना है कि जनरल फैज हमीद साहब ने बहुत बड़ा मेंशन 600 कनाल का पता नहीं कितने का बनाया था, जिसमें करोड़ों अरबों के हिसाब से कराकरी और दूसरी चीजें लिखी गई रखी गई थी, उनके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया कि उसका उसका क्या फ्यूचर होगा, मेरे ख्याल में उसका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये कि अभी तक उसके बारे में नहीं बातें हुई। मगर सर पाकिस्तान कोई भी जो इंटरनेशनल अगर हम देखते हैं नेशनली अगर हम देखें तो कोई भी लीडर पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा, भारत को हमने देखा कि उन्होंने जापान में बात की, डायलॉग जो 2+2 डायलॉग हुए वो हुए, अभी पोलैंड गए हैं मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा, आना चाहिए भी नहीं उनको, उसकी वजह ये है आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं उनसे। देखे ना भारत ने सबसे पहले स्ट्रेट उनका एक स्लोगन उनका एक टारगेट था स्ट्रेटेजिक अनाटमी, उन्होंने ना स्ट्रेटेजिक अटानमी, तो उसको अचीव करने के लिए उन्हें पता था सबसे पहले तो फाइनेंशियल उन्होंने अपने कवर किए, इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज,
और फिर वो अपनी मर्जी से, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है स्ट्रेटेजिक इटानमी की, कि उन्होंने रशिया से तेल लिया जब जबकि अमेरिका और दूसरा वेस्ट जो था इसके खिलाफ था, उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए, आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं। पोलैंड के मैं जब अभी मोदी साहब पोलैंड गए, मैं मानू वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे, मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे डिस्कस करेंगे, बल्कि डायस्पोरा नहीं उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5,000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड एक वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन आपके किसी भी लीडर किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है। 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जा रहा, तो आप तरक्की किस तरह करें? प्रेसिडेंट क्यों आए वहां पे भी? जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं, क्यों आएंगे वो? आपके वजीर आजम सब खुद कहते हैं मेरी ना कॉल उठाता है, मैं जहां जाता हूँ खराज मांगता फिर हूँ। भाई लंदन में जो आपने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कई दफा कह चुके हैं आपका 150 बिलियन बाहर पड़ा, वो ऐसे थोड़ी चला गया ना? आप लूट रहे हैं, मुसलसल लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। आपके जितने इस वक्त डिसीजन मेकर हैं उनके तो बच्चे सबके सब बाहर हैं, वो तो अपने अटैची अपने पैक करके सोते हैं कैरी ऑन लगेज के साथ, कि क्या पता है पलटा खाए सुबह की फ्लाइट पहली लेनी पकड़नी पड़ जाए। आपका तो हर इस वक्त तो यही चल रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इनके पॉजिटिव व्यूज के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।